सो हे गाइस, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करेंगे वह है नथिंग की तरफ से आने वाला नथिंग CMF फोन 1, जो कि एक 5G डिवाइस है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी नथिंग के डिवाइस में PUBG और BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट PUBG और BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। उसके साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, क्या हमें इस डिवाइस को इस प्राइस रेंज के साथ गेमिंग के लिए बाय करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Dimensity 7300 का एक पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 5000mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें इस डिवाइस में 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ ही दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट PUBG और BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट एक्सट्रीम यानी कि 60fps की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि ये डिवाइस 90fps गेमिंग के लिए कैपेबल है, लेकिन अभी तक हमें इस डिवाइस में कोई भी ऐसी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के साथ हमें इस डिवाइस में PUBG और BGMI के ग्राफिक्स में कुछ इंप्रूव देखने के लिए मिल जाए। उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में हमें अल्ट्रा, HD में हमें अल्ट्रा, HDR में हमें अल्ट्रा। तो उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम अल्ट्रा HD के बारे में बात करें तो अल्ट्रा HD अभी तक इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक हमें इस डिवाइस में बाय डिफॉल्ट स्मूथ में 60fps और बैलेंस HD और HDR में 40fps गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Team victory!
ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਯਾਰ यार मैं दोनों बोर्ड सी कर रहा है भाई तो Watch out! ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ